अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उरूस अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं वो जो आप लोग कुछ लोग शर्फी कहते हैं, कुछ टूटी फ्रूटी कहते हैं, लेकिन ये सामान एक्चुअली या तो कुल्फे में डाला जाता है, कुल्फी में डाला जाता है, या जर्दे में बनाते हैं डालते हैं, या मुतंजन जब बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो ये अवेलेबल नहीं होती है। उमूमन लोग घरों में बनाते हैं। मुझे मालूम है हमारे भाई बहन जो हैं बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, सब बनाते हैं, बना के रखते हैं, लेकिन मैं एक ट्राई आप लोगों को बताती हूँ कि ये पपीते से बनता है, इसमें कलर भी डलते हैं, ये वैनिला एसेंस है और ये ग्रीन कलर है, येलो है ये कलर, और ये रेड भी है, ऑरेंज है। डार्क अगर डालूंगी कम पानी तो ये रेड होगा, और इसमें और पानी डाल दूंगी तो ये ऑरेंज हो जाएगा। ये तीन कलर की मुझे टूटी फ्रूटी बनानी है। टूटी फ्रूटी के लिए पपीता दरकार होना चाहिए। पपीता चूंकि कच्चा लेना चाहिए और हमें पता भी नहीं कैसा है, तो पपीते का एक ट्राई इस तरह से करना चाहिए कि आप पपीते में कट लगाएं, अगर इसमें से वाइट दूध की तरह निकल आए तो आपका पपीता जो है फ्रेश है। अभी मैं देखती हूँ, अगर ये फ्रेश है तो ये अब नज़र आ जाएगा, कैमरा आपको दिखा रहा है। व्यूअर्स ये देखिए, इसमें से ये इस तरह से अगर आपको पपीता हो तो ये आपका पपीता फ्रेश है, और इसमें अच्छी क्वालिटी की आपको टूटी फ्रूटी भी बच जाएगी। इसकी ये निशानी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त पपीता बना के दिखा रही हूँ मैं, पपीते का टूटी फ्रूटी। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। इसको स्टार्ट लेंगे, छोटी छोटी हम काट देंगे पपीते को। इसका ये हिस्सा उमूमन काट दिया जाता है, ये जर्दे में डालते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी जर्दे की और मुतंजन की होगी मेरी, तो उसमें ये टूटी फ्रूटी का ज़रूरी है डालना, क्योंकि इससे खूबसूरती भी आती है, टेस्ट भी आता है, बच्चे भी खाते हैं। और ये बनाने के बाद इसको एक महीने के लिए भी आप रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, सूखी जगह पर भी रख सकते हैं। एक्चुअली ये जो है जब बनता है तो दो दिन इसमें लगते हैं, इसके बनने में एक दिन पूरा ड्राई होने में लगता है। ये बीज निकाल लेंगे। बीज आसानी से एक फर्स्ट लेयर इसकी निकाल लेते हैं। व्यूअर्स इसको इस तरह से निकाल लिया, और बैक साइड का ये जो छिलका है इसको इस तरह से निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से हम अपने सारे पपीते को काट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें खुशबू दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। मेरे पास अवेलेबल था, अगर नहीं होता तो मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझती, लेकिन चूंकि ये भी डलता है, कुछ लोग नहीं पसंद करते, मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। एसेंस है, इसको ज़रा सा सब में डाल दें, चाहें तो अलग अलग फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर दे सकते हैं आप, चाहें तो मैंगो का फ्लेवर दे सकते हैं, अलग अलग कलर में अलग अलग फ्लेवर दे सकते हैं, जो कलर हो उस टाइप का आप फ्लेवर दे दें इसमें। हमारा
कटिंग हो गई है तकरीबन, और हमने ये पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। ये बॉयल होने वाला है, ये बॉयल हो गए, इसमें ये मैं डाल दूँगी और जब थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद चीनी के पानी में डालूँगी। डायरेक्टली चीनी के पानी में नहीं डालना है क्योंकि वे फिर हमारी टूटी फ्रूटी जो है ख़राब हो जाएगी, बनेगी नहीं, वो बनेगी नहीं। जैसे साबूदाने को डायरेक्ट आप लोग दूध में नहीं पका सकते, पहले पानी से बॉईल करेंगे फिर दूध में डालेंगे ना, वो वही यहाँ भी कैसी है। और ये पानी बॉयल हो गया है, मैंने रख दिया था साथ साथ, हमने इसमें डाल दिया। इसको जब तक बॉयल होगी जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसके जो पानी है उसको तब्दील कर देंगे, फिर वो शुगर का पानी होगा, वो उसको जितनी शुगर पीनी होगी पी लेगी। मैं ज़्यादा चीनी तो नहीं डालते, ये कोई स्वीट नहीं है, ये स्वीट में डालने की चीज़ है। फिर ये हमारी बड़ी कलरफुल सी तैयार हो जाएगी। इसको हम एक महीने के लिए भी रख सकते हैं, दो महीने के लिए भी रख सकते हैं। जैसे जैसे आपके यहाँ मीठे का इस्तेमाल होता है, स्वीट का बनाया जाता है, वैसे वैसे डालते हैं। बच्चे भी सम टाइम खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। अभी मैं ही खा लूँगी कि क्या टेस्ट में हुआ है, गला है कैसा है, तो देखते हैं। ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो हम आपको दिखाते हैं। इसको 5-10 मिनट तो इसमें लगेगा आई थिंक। जी है, ये बहुत छोटा छोटा भी काटा जाता है, वो बहुत छोटा मुझे पसंद नहीं है। जो चीज़ मुझे पसंद होती है वो मैं दूसरों के लिए पसंद करती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज़रा बड़ा बड़ा नज़र आने वाला है। हम इसको चलाते रहेंगे, चलाते हुए ये जब इसके साथ बॉयल होगा उसके 5-10 मिनट के बाद इसको मैं उतार दूँगी, थोड़ा ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगे। क्योंकि अभी मैं अगर इसको पानी से अलग करती हूँ दोबारा चीनी के पानी में तो ये कच्चा है, ये अभी पक्का नहीं है। एक्चुअली पकना इसको यहाँ पर है और चीनी उसको दूसरे में ऑब्जर्व करना है, उसको सोखना है। रिवर्स ये थोड़ा हो रही है, थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो रही है, तो हम इसको 10 मिनट और देंगे। ये चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं, इनको चलाते रहना चाहिए ताकि ये एक साइड से दूसरी साइड तक करवट लेके और ये पक जाए। साइड इनका चेंज करते रहना चाहिए। अभी इन शक्लों में हुई, पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं हुई है। रिवर्स में मिलती हूँ 10 मिनट के बाद, यहीं इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा। रिवर्स ये हो गया है हमारा तकरीबन, हमें
वो शक्ल मिल गई है जो हमें दरकार थी, जो हमें चाहिए था, उस सूरत हाल में आ गए हैं। ये इनको हम अब पानी से निकाल लेते हैं और इसके लिए अब दूसरा पानी चूल्हे पे रखेंगे। ये गल भी गई है, अब इसको चीनी के पानी में, इसका कोई तार नहीं होता, बस बॉयल हुआ चीनी का पानी उसमें बॉयल होने लगे और फौरन ही इसमें डाल दें। तो ये मैं डिश आउट करके ये विवर्स ये हमने निकाल लिया, ये सूरत हाल बनी है इसकी। ये अब इसमें हम एक कप चीनी में दो कप पानी डालेंगे, दो कप पानी में हमने ये एक कप चीनी डालना है। ये हमारा पानी थोड़ा सा बॉयल हो गया है, चाशनी जिसे कहते हैं उसमें हम ये डाल रहे हैं। व्यूअर्स याद रहे कि हमने दो कप पानी में एक कप चीनी डाली और थोड़ा जैसे ही पानी उबलने लगा तो मैंने ये डाल दिया इसमें, जो अशरफियों की तैयारी हो रही है, पपीता कह लें, ये हमने डाल दिया है। ये इतना ही मीठा होना चाहिए क्योंकि ये तो मीठे में खुद डलेगा, इसको हल्का सा मीठा होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए। अगर इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। और ये इस तरह से बनाने से आपके इंशाल्लाह टेस्ट भी मिलेगा, आपको कलरफुल होंगी। ये 5 मिनट और उबल जाए तो इनको अलग अलग बॉल में हमको निकाल लेना है। इसको निकालने वाली हूँ मैं 5 मिनट के बाद और फिर मैं इसमें कलर और एसेंस डालूँगा। उसके बाद व्यूअर्स 6 घंटे के लिए हम रख देंगे इसको ताकि कलर इसके अंदर पेवस्त हो जाए। और इस अंदाज में बनाना है गरम गरम ताकि कलर एक दूसरे में मिक्स ना हो बनने के बाद। मैं याद रहे ये एक टिप है एक तरह की, अगर गरम आप डाल के उसी वक्त कलर डालेंगे तो कभी जो है कलर ख़राब नहीं होगा, मिक्स नहीं होंगे आपस में, चाहे जहाँ रखे जिस चीज़ में चाहे डाले मीठे में कभी नहीं ख़राब होगा। व्यूअर्स ये तैयार हो गया है, इसको हम बॉल्स में निकाल रहे हैं और हमने निकाल दिया है। एक बॉल में बिल्कुल प्लेन छोड़ूंगी नेचुरल इसका। थ्री स्पून मुझे अलग अलग लेना है क्योंकि एक दूसरे कलर मिल जाएंगे और इस तौर पे। अच्छा, इसमें ये मैं बता रही थी कि इसको मैं थोड़ा मैंने गरम उसी की चाशनी डाल दी है ताकि ये चाशनी जब गर्म में आप डालेंगे कलर
तो ये कलर इस कदर पक्का होगा, फिर बाद में मिक्स होने के बाद एक दूसरे में कलर डालेगा नहीं अलग। ये ग्रीन है, तीसरा स्पून येलो का, रिवर्स। ये हम 6 घंटे के लिए रख देंगे, ये 6 घंटे के लिए रख दिया जाएगा। 6 घंटे के बाद ये सूख जाएगा, उसके बाद 12 घंटे के लिए मज़ीद, यानी कि जो टाइम इस वक्त है, कल इस वक्त इसको मैं आपको दोबारा शो करूँगी। तो ये गरम गरम में जब इसमें कलर अंदर तक जद हो जाता है तो वो एक दूसरे में मिक्स होने के बाद फैलता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। और ये एसेंस आप चाहें तो डालें या ना डालें, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है, अवेलेबल था मुझे तो मैंने डाल दिया है, और अगर नहीं होता तो मैं नहीं डालती इसको, लेकिन डलता है। रिवर्स ये हमारी अशरफी कह लें आप इसको, चाहे टूटी फ्रूटी कह लें, ये हमारी तैयार हो गई। 6 घंटे इसके लिए दरकार हैं, 6 घंटे के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे, लेकिन आपको कल हम 12 घंटे के बाद इसको जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, इसको धूप में ड्राई नहीं करनी है, इनको धूप में ड्राई नहीं करनी है, बस इनको ऐसे ढक के रख लेना है सिल्वर फॉइल में, इनके लिए सिल्वर फॉइल ऐसे ढक के रखना है इनको। चलिए इंशाल्लाह इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, आपकी दुआओं में रुख्सत लेती हूँ, और कल इसी वक्त आपको इंशाल्लाह ताला इसको दिखाने के लिए हम दोबारा आपसे रब्ते में रहेंगे। तो अपना और अपने चाहने वालों का बड़ा ख्याल रखिएगा, जब दुआओं के लिए हाथ उठाइए हमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपकी उरूसा अली रुख सचाती, अल्लाह हाफिज़। बस 4 घंटे इसमें गुजर गए हैं, और इसमें शीरा मैंने अपने हिसाब से डाला था, मुताबिक डाला, और उसने शीरे को जज कर लिया अच्छी तरह से उसी अंदाज में, क्योंकि अक्सर बेशतर मैं बनाती रहती हूँ, स्वीट हमारे यहाँ खाया जाता है तो हम उसी हिसाब से हम बनाते रहते हैं। तो ये इसकी नवायत है, ये इसको अब रात भर के लिए पंखे के नीचे रखेंगे, धूप में इसको नहीं ड्राई करना है, इसको छांव में ड्राई करना है, और ये 12 घंटे के बाद ये इसको ड्राई हो जाएगा। 12 घंटे के बाद फिर इसके अंदर वो ये शीरा नहीं होना चाहिए, ताकि ये रख के चल सके। एवरीडे तो बनने नहीं बन सकता, क्योंकि सब बहुत बिजी होते हैं, अपने हिसाब के हिसाब से ये डाला गया शीरा, उसने जज कर लिया पूरा हिसाब के मुताबिक डालती है। हाँ ये देखिए माशाल्लाह, ये अंदाज़ा मेरा आप देखें, शीरा कोई बचा नहीं है इसमें, जितना इसको पीना चाहिए था पी लिया इसने 4 घंटे में। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी फॉलो करके आप इंशाल्लाह ताला इसी तरह से टेस्टी और सॉफ्ट बना पाएंगे। हमारे दिए हुए स्टेप को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह चीज़ आपको ऐसी ही मिलेगी जिसकी आप उम्मीद रखते हैं।
ये अब इंशाल्लाह ये कल निकाला जाएगा। पूरी नाइट इस पे स्पेंड होगी, लेकिन छाँव में फैन भी नहीं चलेगा, छाँव में इसमें एक मलमल का कपड़ा ढक देंगे हम, ताकि ये हमें सही सॉफ्ट और खुश्क मिले। खुश्क हो जाएगी व्यूवर्स तो ये काफ़ी दिन चलेगी, 1 महीना चल सकती है, 2 महीना चल सकती है, चलेगी काफ़ी दिन। इसी के साथ व्यूअर्स हम कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे टूटी फ्रूटी के लिए। ये टूटी फ्रूटी है, इसका नाम टूटी फ्रूटी है, कुछ लोग चेरी कहते हैं, कुछ लोग अशरफी कहते हैं, लेकिन जो भी जो जो भी नाम है इनका तो बड़ा प्यारा नाम है। अशरफी अशरफी भी अच्छा नाम है, टूटी फ्रूटी भी है, सब नाम बेहतरीन है, इनका जायके में बहुत बेहतरीन है। और एक ये है कि अगर आप चाहें तो जैसे ये ग्रीन है, इसमें आप जो है अमरूद का फ्लेवर डाल सकते हैं, ऑरेंज में आप स्ट्रॉबेरी का डाल सकते हैं, इसमें आप और कोई दूसरा डाल सकते हैं वनीला के अलावा, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं, अगर चाहे तो आप सब डालते हैं। नहीं डाले तो कोई मसला नहीं है, मैं नहीं भी डालती फिर भी मेरी परफेक्ट थी। और इसी के साथ इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे जब तक ये ड्राई हो जाए। ये व्यूअर्स तैयार हो गया, ये देखिए, ये अब स्टिकी नहीं रहा, ये स्टिकी नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। और ये हमारा तैयार हो गई टूटी फ्रूटी, इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं एक दूसरे में, मिक्स कर लेंगे तो कलर भी नहीं एक दूसरे में मर्ज होगा। ये हमारी टूटी फ्रूटी तैयार है, इसको जर्दे में डालें, आइसक्रीम में बच्चे डाल के खाते हैं, इसको हर स्वीट डिश में आप डाल सकते हैं, तंजन में डालें, जर्दे में डालें आप इसको, और इसको इसमें महफूज कर दें। ये ग्लास कंटेनर है, इसमें महफूज करके इसको फ्रिज में रख दें। जब आपको इसकी ज़रूरत हो, इसकी नीड हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं। और कंटेनर हमने भर दिया इसका, ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया, ज़्यादा बनाने से ये होता है कि फिर मुझे ये होता है कहीं ख़राब तो नहीं हुई, हालांकि ये 15 दिन चल सकती है, 1 महीना भी चल सकती है इसको ये अच्छी तरह से। और एक बात ये बहुत ज़रूरी है, इसको धूप में नहीं सुखाएं आप, छाँव में सुखाएं, थोड़ा फैन चला दें। हमने इनडोर इसको ड्राई किया है, आउटडोर हमें इसको लेकर नहीं गए, इसमें ड्राई होने में 24 और 36 घंटे लगे हैं। ये इसी तरह से मलमल के दुपट्टे में ढाँक के रख दिया था हमने, ताकि कोई चीज़ इस पर न पड़ जाए। ये आपकी टूटी फ्रूटी तैयार है, कलरफुल। हमारे स्टेप को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से होगी। ये हमारा पूरा ग्लास कंटेनर जो है भर गया, ये हमारा ग्लास कंटेनर माशाल्लाह फुल हो गया। व्यूअर्स ये हमने इसको ढक दिया, ये आपका टूटी फ्रूटी तैयार है। जर्दे में डालें आप, खीर में डाल दें, और कस्टर्ड में डालें, कस्टर्ड में भी डल जाता है। इसी के साथ ही इजाज़त लूँगी, दुआओं में रुख्सती लेती हूँ मैं आपसे, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। अल्लाह निगहबान।